चलो शुरू करते हैं। ये जो क्लास है इसके दो डायमेंशन हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से। तो एक तो पहली बात जो आप लोगों को ये लगता है कि भाई मेमोरी लॉस हो रही है या याद नहीं रहता, याददाश्त की बहुत कमी है, तो आज से भूलना भूल जाओगे। और दूसरा, इस क्लास का नाम है प्रिलिम्स पक्का। अगर प्रिलिम्स निकालना है तो आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। जैसे इस बार अगर आप लोगों ने प्रिलिम्स देखा होगा तो प्रिलिम्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, राइट, और बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन, कट ऑफ ऊपर चली गई। तो प्रिलिम्स निकालने के लिए आपको एक अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। सुबह जब मैं क्लास ले रहा था तो कई बच्चों ने कहा कि सर, एक बच्ची थी उसने कहा चार अटेम्प्ट से दे रहे, प्रिलिम्स नहीं निकल रहा है। तो प्रिलिम्स कैसे निकलेगा इसको हम थोड़ा ध्यान देखेंगे। और हमारी ये जो सीरीज, इसका नाम ही है प्रिलिम्स पक्का। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पढ़ाई कैसे की जाती है और जिसको किसको किसको ये प्रॉब्लम है वो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। ईमानदारी से कहीं तो ऑनेस्ट रहो। किसको किसको ये प्रॉब्लम है कि हम पढ़ते हैं और सर भूल जाते हैं? इतने लोगों को है, ऑलमोस्ट सबको है। चलो आज भूल के दिखाओ, ठीक है, आज भूल के दिखाओ, आज मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी मेथड को करेंगे, रेडी? yes, sir. सभी लोग? yes, sir. So, ये बड़ा रिवोल्यूशनरी मेथड है और हम लोग आगे जैसे गुरुकुल में लगातार कई नई नई चीजें करते रहते हैं, तो हम लोग अब इसी चीज को जो है वो करने जा रहे हैं, राइट। और यहां पर हम लोग आज इनपुट अपना लेंगे एंड दिस मेथड इज नोन एज RFR। इसको हम लोग बोलते हैं RFR मेथड, ठीक है। सो इट हैज अ 3 R, RFR, क्लियर? यानी फर्स्ट वन इज रिवर्स, सेकेंड F इज नोन एज फॉरवर्ड। आनंद को बुलाना, फॉरवर्ड, एंड दिस आर इज ऑल अबाउट अगेन रिवर्स और रिवाइज। दिस मेथड इज नोन एज RFR। अब एक्चुअली होता क्या है, साउंड कर रहे हैं, अब एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों की पढ़ाई में ये वाला मेथड पूरी तरीके से गायब होता है। कैसे पढ़ाया जाता है, आप आज तक कैसे पढ़ते चले आए हो बचपन से लेकर अब तक? टीचर आता है, डिक्टेट करता है, आपको पढ़ाता है, आप नोट डाउन करते हो और फिर क्या होता है, लास्ट में जाकर टेस्ट लिया जाता है। ऐसे ही कुछ होता है। और ये, इसको हम लोग लीनियर मेथड ऑफ स्टडी बोलते हैं। तो यानी वो क्या हुआ, सीधे सीधे तरीके से चलता है। इसमें हमसे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमारे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। NLP कहता है कि अगर आपको मछली पकड़नी है तो आपको कांटे में चारा लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे करूं, इसमें क्या करूं, ऐसे पानी में डालूं और मछली आ जाएगी? आ तो जाएगी, कई लोगों की तो आती है, आ जाएगी। मुझे मछली पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कांटा, चारा हाथ में लेके चारा ऐसे बैठे रहे मछली खा चली जाएगी। कांटे में चारा होना चाहिए, तब वो जो कांटा हुक जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या करेगी, मछली उसको खा जाएगी। सो अगर आपको प्रिलिम्स निकालना है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है प्रिलिम्स पक्का, ठीक है, डन। तो प्रिलिम्स को अगर निकालना है तो ये मेथड हमें अपने साथ लेकर आना पड़ेगा। इतने दिनों के प्रयास में हमने गुरुकुल में आंसर राइटिंग की तो खैर आदत डाल दी है। अगर जो लोग अभी तक गुरुकुल में 30 दिन से ज़्यादा बिता चुके होंगे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया होगा, ये इन के इन कैसे भी डांट वांट खा के वर्कबुक में लिख लिख के, जो थोड़े बहुत बच गए हैं, तो हमारे यहाँ कहावत है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो कल से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो लिखना तो सबने शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, राइटिंग स्किल। अब हम आते हैं
कि हम प्रिलिम्स कैसे निकालें, क्योंकि मेंस तो तब दोगे ना जब प्रिलिम्स निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि एंट्रेंस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्या चल रही है कि भाई इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, लगभग इतने लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, मतलब बैठते हैं, बाकी तो चिड़ैया फुर 3 महीने के अंदर गायब हो जाती है। इसके बाद एवरेज 14,000 लोग मेंस के लिए बुलाए जाते हैं, 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फाइनली लगभग 1,000 लोग सीट्स फुल होती है, इसमें से भी 100 लोग के आसपास आईएएस बनते हैं। कहानी यहां से शुरू होती है। अब हर लेवल पे जो रिजेक्शन रेशियो है वो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पूरा एग्जाम प्लानिंग का एग्जाम है। अगर आपकी प्लानिंग सही है, आपकी स्ट्रेटजी सही है, आप जीत जाओगे। और आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 24 घंटे में 48 घंटे पढ़ेंगे, तो ना आपके लिए पॉसिबल है ना हमारे लिए पॉसिबल। अब क्या है, जो हमारा स्टेज वन है प्रीलिम्स जिसे हम लोग कहते हैं, प्रीलिम्स स्टेज पे ही जो रिजेक्शन रेशियो है वो लगभग 89.04% है, यानी 100 में से मान के चले कि 90 लोग बाहर कर दिए जाते हैं, 100 में से 90 लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता है। ये पहला बेसिक फंडामेंटल है, बहुत बड़ा जो है वो एक रिजेक्शन रेशियो। बचे कुछ 14,000 लोग पहुंचते हैं, इसमें भी 2/3 लोग एग्जिट हो जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। फिर जो बचे कुचे हैं उसमें भी 2/3 है वो इंटरव्यू में निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रिजेक्शन का पॉइंट बनता है वो बनता है हमारा प्रीलिम्स, जिसको स्क्रीनिंग कहते हैं। और मजेदार बात है कि इसका कोई वैल्यू हमारा मेंस में जोड़ा ही नहीं जाए, इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते। और सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ जो फ्रंट होता है वो यही खुलता है, जैसे जीएस अच्छा हो गया, सी सैट में लुढ़क गए। तो ये अब पता चला हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अच्छी कर ली, करंट में लुढ़क गए, करंट पढ़कर गए हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, मेडाइवल छोड़ के गए मेडाइवल के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, इस साल आर्ट एंड कल्चर थोड़ी कमजोर थी उसी के क्वेश्चन ज्यादा बन गए। तो ये बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा एक वियर्ड सेगमेंट होता है। तो अगर हम बैलेंस करके चीज़ों को नहीं चलेंगे तो यूपीएससी में अगर हम एक तरफा की, जैसे हम कैसे प्लान करते हैं कि हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, हम पर्पज़ ही नहीं पूछते हम क्यों पढ़ेंगे, हम पढ़कर करेंगे क्या, इसका अचार बनाएंगे, इसका पापड़ बनाएंगे, लिज्जत पापड़ के साथ बेचेंगे डाल के, पर्पज़ होता है डे वन। हम कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैंने हमेशा पहले से ही बताया था कि आपका 2 सेगमेंट होना चाहिए, मेरे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, मेरे इससे सब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर तुम्हारा ये पर्पस डील नहीं हो रहा है तो तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, जियोपॉलिटी पढ़ना सब बेकार है। ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं कि साल में लास्ट में आपने इनपुट देख लिया। अब चूंकि ये कंपटीशन और कंपटीशन में टाइम बहुत कम है, इसमें आप आखिरी 2 साल 3 साल भी लगा दोगे ना तो लास्ट ईयर में जाने के बाद यही लगेगा पता नहीं मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा है हमेशा। यानी जो असंतृप्त रहने की भावना है वो इस एग्जाम की सबसे खास बात है हमेशा, और ये होना भी चाहिए। तो अब हम क्या करें कि हमारे पास टाइम कम हो और हम अपना आउटपुट ज़्यादा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिहेवियर चेंज कर सकें, और स्ट्रेटजिकली मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोलने की कला, रिटेंशन करने की कला, हम इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलें। सो आई डेवलप दिस टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज RFR। अब प्रीलिम्स में सिलेक्शन क्यों नहीं होता, सबसे बड़ी बात है जो ये जानना हो, जो लोगों ने दिया होगा उनको और अच्छी तरह पता हो, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है निगेटिव मार्किंग। क्यों निगेटिव मार्किंग क्यों होता है? विकी क्लास में बैठी हो, हाथ खड़ा करो, हाँ गुड। निगेटिव मार्किंग होती क्यों हमसे? हमें पता है कि निगेटिव मार्किंग हमें खा जाएगी। निगेटिव मार्किंग समझते हो ना, 0.66 मार्क्स पीछे वाले में से निकाल लिए जाते हैं। यूपीएससी में बड़ा अजीब सा गेम चलता है, अगर आपका क्वेश्चन सही है राइट है तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? 2। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो पनिश कितने का होते हो ये भी जान लो। तुम्हें लगता है कि 1/3 नहीं, 2.66 मार्क्स निकाल लिए जाते हैं। सही होने पे 2 मिलते हैं, गलत होने पे 2.66 चले जाते हैं। यानी जिसको तुमने कैलकुलेट किया था सही जान, कोई ऐसा है क्या जानबूझ के गलत करता? नहीं, सब लोग सही जान के करते हैं। तो वो क्वेश्चन तो 2 नंबर गया ही गया, पीछे वाले में से भी 0.66 निकाल लिए जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता। अब ऐसा क्यों होता है कि हम एग्जाम में
गलतियां कर बैठते। जैसे मेरी एक वीडियो पड़ी होगी प्रिलिम से जस्ट पहले कि मैं गर्ल्स हॉस्टल गया और मैंने कहा था बड़े ध्यान से बबल्स भरना, पेन से भरना पड़ता है, और उसमें क्या होता है ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, वो लाल लाल रंग के गोले होते हैं और एक साथ छोटे छोटे होते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं कि क्वेश्चन पेपर उठाया और टिक मार दिया पहले पेपर में, फिर उसके बाद हम बबल्स भरना लास्ट में शुरू करते हैं। अब जल्दी जल्दी जब हम भरना शुरू करते हैं तो ऑप्टिकल इल्यूजन शुरू हो जाता है, यानी इसके सामने वाला गोला दूसरे वाला गोला सामने आ जाता है, ओवरलैप हो जाता है, इसको फ्रिंज बनना कहते हैं। ये साइंस है, इसका भी फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, वो स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि स्लिट से जब प्रकाश गुजरता है तो फ्रिंज कैसे बनता है। तो वो क्या होता है, वो रेड कलर की वजह से वो ओवरलैप हो जाता है। तो होता यह है कि 31 का सी भरना था, 32 का सी भर दिया। अच्छा, जैसे ही आप पेन से भरना है और एक बार अगर 32 में सी भर दिया तो 31 भी गलत हो गया और आपका आंसर पेपर में बिल्कुल सही था, बस आपने मतलब ये बताया मुझे कई लोगों ने 3-4 क्वेश्चन ऐसे खा गए, वो शायद ज्यादा खा गए होंगे, वो पूरी फिर आपका पूरा वो सिस्टम ही खराब हो जाता है। दूसरा क्या होता है, प्रेशर बना रहता है। अब पेपर जब आप देने जाते हो तो आप पहले से ही ऑक्यूपाइड होते हो, पता नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी, तो सुनी सुनाई बातें थी 60-70 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। क्यों ऐसा हुआ था विक्की, कट ऑफ ऊपर जा सकती है, कट ऑफ जा सकती है, आसपास भी पूछा कट ऑफ ऊपर जा सकती है। अब आप कट ऑफ ऊपर जाने के चक्कर में आपको एग्जैक्टली नहीं पता कट ऑफ कितनी जा रही है, आप क्या होता है लास्ट में आप ट्राई मारते हो 15-20 क्वेश्चन पर ट्राई। अब यूपीएससी कोई एक क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो 400 क्वेश्चन पूछता है, ये जो चारों ऑप्शन होते हैं वो 4 क्वेश्चन होते हैं, आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए, नहीं तो आप ऑप्शंस नहीं कर पाओगे। फिर क्या होता है, उस कट ऑफ का जो माइंडसेट होता है उसकी वजह से आप पुश करते हो, अंदाजा लगाते हो, और जब आप अंदाजा लगाते हो तो क्या शुरू हो जाता है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है, फिर वहीं से बवाल शुरू होता है। अब फिर जब आप जोड़कर आते हो तो आपको पता चलता है आपके मार्क्स कितने कम बनते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग क्यों होती, कितने लोगों ने इस पर बहुत ही डीप एनालिसिस किया है, कुछ लोग तो जब तक फिल्म देंगे नहीं तब तक एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कितने डीप एनालिसिस किया निगेटिव मार्किंग होती क्यों है, चलो बताओ। प्रेशर होता है, गुड, चलो सब लोग बताओ, सब लोग प्रेशर। देखो मैंने पहले भी कहा था, पुराने बच्चों को भी कहा था, कई लोग मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। आपको बाली की कहानी पता है, बाली जो था उसके सामने जो आता था 50% ताकत बाली को मिल जाती थी उसकी, यानी वो आधा छीड़ हो जाता था, बाली की कहानी, इसीलिए भगवान श्री राम को छुपकर वध करना पड़ा। तो उसके सामने जो पड़ा उसकी 50%, यूपीएससी का जो सेंटर होता है वो बाली है, उसके गेट के अंदर घुसते ही 50% बुद्धि अपने आप बाहर चली जाती है। ये आप जब जाएंगे उस सेंटर के अंदर, तुमने दिया एग्जाम ना, सच्चाई है ना, वो जैसे ही उसके गेट में अंदर कदम रखते हो अचानक से बुद्धि 50% खत्म, कई लोगों की तो बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है। इसको पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी कहते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, एडमिट, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता एडमिट कार्ड ना मिले उस समय, तो उस समय जो हाथ पांव फूलते हैं ना भाई साहब, वो हायर लेवल के होते हैं, अलग ही लेवल होते हैं। तो पहली बात घबराहट, और घबराहट में क्या होता है पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, 20 मिनट के लिए आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है। चलो तुम बताओ श्रुति, और क्या क्या होता है, फिर भी गलत कर दिया, मैं हॉस्टल जाकर बताकर आया था कि गोले गलत भरे जाएंगे, हाँ और तुम बताओ बेटा, हाँ क्यों हम निगेटिव मार्किंग करते हैं, अब इसके पॉइंट को लिख लो, लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, इसको और भी क्लियर कर दूं, लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी में क्या होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप रुक के उसको दोबारा पढ़ लेंगे और दिमाग डाउट खेलता है, यार ये भी हो सकता है, उसी समय आपके दिमाग में दो डॉट्स क्रिएट हो जाएंगे और फिर आप मोस्ट प्रोबेबल आप गलत ऑप्शन ही भरोगे। और कई बार तो ऐसा होता है बहुत इजी ऑप्शन होता है,
और हम सोचते हैं नहीं यार यूपीएससी के एग्जाम है, इतना इजी कैसे पूछ सकते हैं। जानबूझकर हम मामले को तूफानी कर लेते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, इतना इजी कैसे पूछ सकता है। सो लैक ऑफ रिवीजन और लैक ऑफ क्लैरिटी, कारण क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, उसका एक छोटा सा आंसर हुआ, हमने लगा दिया। यूपीएससी बेसिकली चार चार क्वेश्चन का संयोजन पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। तो अगर आपकी पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी भी जवाब नहीं दे पाओगे। अच्छा, हम पढ़ते और ये शुरुआत वहां नहीं होती, गलती वहां नहीं होती, गलती यहां से होती है, डे वन से। हम पूरे टाइम स्टेप टू और स्टेप थ्री फॉलो करते हैं। थ्री तो खैर बहुत मुश्किल से फॉलो करते हैं, हम तो डंडा लेके आजकल घूम रहे हैं। हम ज्यादातर समय जितने भी अकेडमीज है हम केवल स्टेप टू पे काम करते हैं, फॉरवर्ड स्टडीज। सर सिलेबस कब पूरा होगा? ओके, चलिए आज इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ये पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, लेकिन हमने अपने आप को पर डे चेक नहीं किया। अगर हम पर डे चेक करने लगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगी। हम सोचते हैं कि हम लास्ट में जाकर रिवीजन करेंगे, या रिवीजन करने का तरीका हमारा कैसे बचपन से, ये किताब उठाई रिवीजन हम कैसे करते हैं। अच्छा, आंख बंद कैसे होता है? लेकिन क्वेश्चन के साथ एक बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन देखते हमें घबराहट होती है, क्वेश्चन देखते हमें घबराहट होती है। इस प्रैक्टिस को अगर हम क्लास में डेली नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा हमारा। सो एक टेक्निक डेवलप की है, RFR, ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द NLP। अगर हम इसके बेसिस पे चलेंगे तो हमारी मेमोरी बढ़ जाएगा। और मैं अब आपको प्रूव करने जा रहा हूं। सिर्फ मुझे एक पेज चाहिए, व्हाइट पेज, सबकी कॉपी पे, सारी कॉपियां बंद करो, सिर्फ एक पेज निकालो, मैं प्रूव करने जा रहा हूं। और अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, चलो सब लोग, और मैं आके पीछे वालों पहले कूटूंगा, आज मारूंगा पहले, क्योंकि अभी क्यों मारूंगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, और आज विधिवत मारूंगा, ठीक है। और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, आज मेरा हाथ किसके ऊपर क्या चल जाएगा मुझे भी नहीं पता। और अभी मैं, क्योंकि आप बहुत दिन से मुझसे झूठ बोल रहे हैं और आज झूठ पकड़ा जाएगा। मैंने पहले कहा था कुछ भी करना मेरे से मत खेलना, ठीक। चले रेडी? अब चलो, आज आपको RFR सिखाने जा रहा हूं और आज के आज ही आपको इसका आउटपुट बताने जा रहा हूं, और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आप इसको अपनी लाइफ में लेकर आओगे। चले शुरू करें। तो RFR का मतलब हुआ रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स मेथड, ठीक है। अब चलिए, पहला क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। What was India's rank in the World Economic Forum WEF 2024 report on the global gender gaps? वैश्विक लैंगिक अंतर पर विश्व आर्थिक मंच की 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या? कोई मुंह से नहीं बोलेगा, ABCD आपके पास है, लिखिए। चलिए, वन का जो भी आंसर है वो लिखिए। अभी पिटोगी? फिर भी कोई बात नहीं, नहीं आता, नहीं पढ़े हो ना, जाने दो अभी। हां तो आगे कुछ भी मत लिखो, छोड़ दो। एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स है। आज मैं निगेटिव मार्किंग नहीं करता हूं, पहला दिन है, बोनी खराब नहीं करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए एक, अगर आपको आता है बताइए, दोबारा पढ़ें। चलिए प्लीज जवाब दीजिए सभी लोग, आपको जादू सिखाने जा रहा हूं। आप कहते हैं ना सर भूल जाते हैं, अब भूल के बताना। तो हो गया, आगे चले सब लोग, फिर से पढ़ लो। What was India's rank in the World Economic Forum WEF 2024 report on the global gender gaps? हो गया? Option 100, 120, 129, 146. चलिए next, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, which report tracks the school and college enrollment data in India? कौन सी रिपोर्ट भारत में स्कूल और कॉलेज नामांकन डेटा को ट्रैक करती है? ठीक है, चलिए आइए। पहली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सेकंड है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशनल, AISHE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल, UDISE, यानी शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, बी और सी दोनों। आप मुंह से, जिसका मुंह खुला मुंह पे डंडा खाएगा। अपनी कॉपी में सेकेंड का जो भी आंसर है ABCD लिख दो, चार ऑप्शन है। चलो शुरू करो।
चलो शुरू करो, हो गया? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन एजुकेशनल पैरिटी इन द 70s? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, आरएफआर की सबसे खास बात है यू पुट ऑल योर एफर्ट फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन को याद करो, ठीक है। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन एजुकेशनल पैरिटी इन द 17th एडिशन टू द WEF रिपोर्ट पब्लिश इन 2023? 2023 में प्रकाशित WEF रिपोर्ट के 17वें संस्करण में शैक्षिक समानता में भारत का स्थान क्या था? एजुकेशनल पैरिटी, और पढ़ते समय कोई कीवर्ड मिले तो कीवर्ड में भी आप निशान लगा सकते हैं, जैसे इसमें कीवर्ड होगा पैरिटी, इट्स नॉट रैंकिंग इट्स पैरिटी, ठीक है। आज पहला दिन है तो थोड़ा बहुत समझाते जा रहे हैं। शैक्षिक पैरिटी समता में भारत का स्थान क्या था? हो गया? हो जाएगा? जो भी है, जो भी आपको थर्ड का ए बी सी डी जो भी आपको समझ में आ रही हो वो आप लिख दें अकॉर्डिंग टू द, और नहीं आता तो गेस मत मारिएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग कल को हो सकती है, हो सकता है आज ही मैं कर दूं तो गेस है? नहीं तो लिखो मत, गेस मत करो, कोई कंपटीशन थोड़े ना है। चलो वन माइनस कर देते हैं, गलत पे एक माइनस, 100% माइनस मार्किंग, 100% माइनस मार्किंग, सही पर एक प्लस, गलत पर एक माइनस, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द UDISE प्लस रिपोर्ट फॉर 2021-22 व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स मेकअप द स्कूल पॉपुलेशन? 2021-22 के लिए UDISE की रिपोर्ट के अनुसार एक स्कूल की आबादी में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 46.8%, 47.8%, 48.3% या 48%? चलिए कम ऑन, बढ़ चढ़कर जवाब दीजिए, आईएएस बनने खाब तो सब देख रहे हैं। देखो ऑनलाइन भी क्लास चल रही है, हिम्मत लोग ही नहीं पड़ी जवाब दे दे। अच्छा अभी कोई बकैती काम शुरू करो तो दे धबा धब आंसर आएगा। सर प्रथम प्रयास में आईएएस कैसे बने? अब थोड़ा शर्म के मारे पूछ नहीं पाते, बिना पढ़े आईएएस कैसे बने? ठीक है, एक तो मुझसे पूछ रहा था आईएएस की पोस्ट खरीदी बेची जा सकती है क्या, हमने कहा वाह यही पूछना बाकी था। चलो 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 जवाब देना शुरू करो, कमान हो गया? नेक्स्ट वन, व्हाट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स ऑफ बिल्डिंग मोर स्कूल्स? अधिक स्कूलों के लिए के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव में से एक क्या कहा गया है? इंक्रीज मेल इनरोलमेंट, पुरुषों के नामांकन में वृद्धि, डिक्रीज फीमेल इनरोलमेंट, महिलाओं के नामांकन में कमी, इंक्रीज फीमेल इनरोलमेंट, महिलाओं के नामांकन में वृद्धि, डिक्रीज ओवरऑल इनरोलमेंट। ध्यान रखना क्या कहा गया है, समग्र नामांकन में, यानी जेंडर न्यूट्रल करते हुए हम कहते हैं कि महिला पुरुष दोनों में हम आगे वृद्धि हो जाएगी, कमी। क्या होगा इसका जवाब? चलो भाई ए बी सी डी, क्या जवाब सही होगा? ए बी सी डी लिख लिया? yes, हाँ दिखाओ 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 दिखाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेज वॉज मेंशन एज द हैविंग अ लोअर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी क्लास ड्यू टू द फीवर गवर्नमेंट बिल्ड सेकेंडरी स्कूल्स? किस राज्य में सरकार निर्मित माध्यमिक विद्यालय कम होने कारण माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत कम होने का उल्लेख किया गया है? बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? हो गया? What is the key factor that affects parent decision to enroll their daughters in school? अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिला देने के माता पिता के निर्णय को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक?
अवेलेबल ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, प्रेजेंस ऑफ फीमेल टीचर, महिला शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसीज, विद्यालय की एक समान नीतियां, स्कूल लॉन्च प्रोग्राम, विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राइट? हाँ जी, चलिए बताइए, हो गया? What is a major obstacle for the girls' education in higher classes, especially after puberty? यानी जब वो व्यस्क हो जाती हैं, उच्च कक्षाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बड़ी बाधा क्या है, विशेष रूप से युवावस्था के बाद? ये रिपोर्ट में बहुत बड़ा इस पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, और इसने पूरे सरकारी तंत्र की ऐसी तैसी कर दी है। Lack of textbook, adequate transportation, poor sanitation facilities, lack of qualified teachers, योग्य शिक्षकों की कमी, क्या है आपके लिए सही जवाब? कोई नहीं होगा, लिख लिया? हाँ, सारे पापियों, एक से लेकर दस तक, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट डू गर्ल्स मेक अप अ हायर परसेंटेज ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, रेजिंग कंसर्न अबाउट बॉयज ड्रॉपिंग आउट? लड़के भी तो स्कूल छोड़ रहे हैं। किन राज्यों में उच्च माध्यमिक के छात्रों में लड़कियों का प्रतिशत अधिक है, जिससे लड़कों के पढ़ाई छोड़ने की चिंता बढ़ जाती है? लड़के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम, कौन सा जवाब सही होगा? चलिए बताइए, हाँ जी, हो गया? Yes, बड़ी जल्दी, आप तो एक आध घंटे में आईएएस बन जाएंगे भाई। What is the gross enrollment ratio GER for women in higher education according to the AISHE report for 2021-22? बताइए, 2021-22 के लिए AISHE रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात क्या है? 28.3%, 28.5%, 32% और 50%, क्या है अनुपात क्या है? चलिए बताइए, बेचारे जान बचा रहे हैं कैसे भी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब मैंने कहा ना, करप्ट पीपल ऑलवेज थिंक इन अ डिफरेंट वे। आज से, आज आपको मैं एक आईना दिखाने जा रहा हूं, और देखना तुम्हें अपना थोबड़ा ही है। मैं तुम्हें एक आईना दिखाता हूं, अगर तुम्हारे पास गुरुकुल के ग्रुप्स होंगे तो उसमें आज से डेढ़ हफ्ते पहले मैं वहीं पर खड़ा होकर आया था और मैंने कहा था कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है जेंडर गैप पर, वो आ गई है और उसका पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में पड़ा हुआ है। फिर मैंने उसको ओजांग टाइम्स चैनल पर उसकी वीडियो भी डलवा दी थी, और मैं खुद रिक्वेस्ट करने आया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। और अभी मैं अगर तुम्हारा फोन और ग्रुप खुलवाऊं, मत खोलो अरविंद, मत करो, मत करो, अब रख दो, अब रख दो। डेढ़ हफ्ते पहले मेरे फोन में पड़ा हुआ है, ग्रुप है मेरे पास, ये रिपोर्ट शेयर हुई थी। मैं एज अ डायरेक्टर वहां आके खड़ा भी हुआ, और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जरूर पढ़ लेना। और आप में से कई लोगों ने कहा, उसमें एक बच्ची खड़ी हुई, कहां पड़ी हुई है ना, कहां पड़ी हुई, कौन सी रिपोर्ट? मैंने कहा ग्रुप के अंदर शेयर हो गई है, अब आप देख लीजिए
कि आप पढ़ी गई चीज पर क्या क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी हालत है। इतना दबाव होने के बाद कि रात दिन हम सर पे खड़े रहते हैं गुरुकुल में, और शेयर कराया है और आप सीधे सीधे झूठ बोल गए, बाद में जाके क्या कहेंगे, अरे यार पढ़ाते नहीं है, तुम पढ़ते कहाँ हो, हम तो चारों तरफ से आपको घेर रहे हैं, पहले पीडीएफ बनाई, फिर तुम्हें वीडियो बना के दी, फिर आके तुम्हें समझाया कि बाबू पढ़ लो, लेकिन तुम तो अलग दुनिया में, तुम्हारा तो प्री बिना पढ़े निकलेगा ना। चलो खैर, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है, तुम्हें बुलाया है अब इसको लिखो, फॉरवर्ड मेथड। क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया या क्वेश्चन दोबारा देखना है, ध्यान से देख लिया, अब जरा इसको पढ़ो, लिखो। WEF रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट 2024। थोड़ी सी शर्म या लज्जा आई अपने ऊपर कि आप खुद को चीट कर रहे हैं, आपको ये पीडीएफ दी गई थी जिसको आपने ध्यान से देखा भी नहीं, आपको रोज बोला जा रहा, सोचो आप किसी और इंस्टीट्यूट में होते तो कोई तुमसे पूछने भी नहीं जा रहा तुम क्या पढ़ो, मैंने तुमसे कहा था ध्यान से पढ़ते रहो, मेरे साथ मत खेलो, मैंने अगर बनाया तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये मेरा राइट है, और आपने कितने हल्के में ले लिया उसको। चलो अब एक बार शुरू करते हैं, लिखो। ये रिपोर्ट किसके बारे में है, पहली चीज इसको बोलते हैं LWMI नोट्स, फॉरवर्ड मेथड, क्विकली अब इसके बाद तुम नहीं भूलोगे। देखो डिफिनीशन ऑफ जेंडर गैप इन एजुकेशन, परिचय किसके लिए है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 2024। लिखो शिक्षा में लैंगिक अंतर के लिए, शिक्षा में लैंगिक अंतर के लिए, अंतर से क्या तात्पर्य है, डिस्पैरिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन अचीवमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, शिक्षा में महिला और पुरुष, शिक्षा में महिला और पुरुष, शिक्षा में महिला और पुरुष के शिक्षा में भागीदारी, शिक्षा में भागीदारी, उपलब्धि और अवसरों के, तेजी से लिखना है बहुत तेजी से, उपलब्धि और अवसरों के अंतर के बारे में, कि दोनों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, नॉट गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिपोर्ट किसके बारे में है, चाहो तो लिखो चाहे तो समझ लेना, ठीक है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें भारत भी एक क्षेत्र है, वहां पर जेंडर गैप के बारे में बात हो रही है, कि शिक्षा में हम आबादी को देखें तो महिला और पुरुष दोनों को बराबर अवसर मिलना चाहिए, राइट। तो ये उसके बारे में रिपोर्ट बताती है, आगे देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है, लिखो हेडिंग, रिपोर्ट क्या कहती है, व्हाट इट स्टेट्स, भारत की रैंकिंग 129 किसमें, 146 में, 129 बाई 146 लिखो, 146 देशों को, 146 कंट्री को स्टडी में शामिल किया गया, इंडिया की रैंकिंग 129, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के कंपैरिजन में गिरावट आई है, लिखो पिछले सालों की तुलना में गिरावट आई है, अगला है एजुकेशनल अटैचमेंट इंडिकेटर्स, लिखो प्रमुख संकेतक, प्रमुख संकेतक, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, नंबर वन जेंडर पैरिटी 0.964, लिखो जेंडर समानता, लैंगिक समानता, शिक्षा में लैंगिक समानता गिरी है, कितनी 0.964, पिछले साल कितनी थी,
1.0, एक थी, अब कितनी हो गई 0.964, यानी सामान्य भाषा में 26 अंक की पैरिटी में गिरावट है लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर में 26। ये चाहे तो लिखो चाहे तो समझ लो, क्या बताता है? ये कहता है लिटरेसी गैप है किसके बीच में, महिला और पुरुष के बीच में लिटरेसी गैप, यानी साक्षरता का अंतर है। इसको मेंस में भी, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, WEF की रिपोर्ट पे आपको उसके प्रभाव के बारे में लिखना है, या इसमें से कोई एक पॉइंट उठा सकता है, इसलिए ध्यान से लिखना। ये जरूरी नहीं कि प्रीलिम्स का ही है, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं होता है, आपको कुछ भी उठा के पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति कम क्यों हो रही है, आपसे पूछ सकता है कौन कौन से राज्य जो आर्थिक रूप से उन्नत हैं लेकिन शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कारणों की चर्चा करिए। आपसे पूछ सकता है कि भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में शैक्षिक साक्षरता, जो लैंगिक साक्षरता है, उसमें इतना ज्यादा अंतर क्यों है। आपसे पूछ सकता है, कई क्वेश्चन पूछ सकता है कि लड़कियों की शिक्षा, खासतौर पर युवा अवस्था आने के पश्चात क्या कारण है, आफ्टर एडल्ट होने के बाद क्या कारण है कि वो गिरावट हो रही है। तो यहां से आप बहुत ढेर सारे मेंस के क्वेश्चन निकालेंगे। फिलहाल हम जो कर रहे हैं, आपको, आपने कहा ना मेमोरी आपकी बड़ी कमजोर है, तो चलिए देखते हैं रीजन फॉर डिक्लाइन। यूनेस्को के हिसाब से, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, एक पार्ट है संयुक्त राष्ट्र की, ₹2022 से 2023 के बीच होने वाले परिवर्तनों को, चेंजेस को इसने शामिल किया है। चलिए देखते हैं क्या शामिल किया। वेयर डज द गैप लाई, कहता है अंतर कहां है। पहला कहता है साक्षरता दर में अंतर है, साक्षरता, अभी आंसर नहीं बताऊंगा, अब आंसर आप करेंगे आरएफआर में। जैसे कुछ विद्वान लोग बता रहे हैं कि क्वेश्चन बताएं आंसर रख दो, इसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन। आरएफआर में पहली बार आप क्वेश्चन करेंगे, फिर अब आप पढ़ेंगे, अब आप जब पढ़ेंगे तो आपका फोकस अपने आप बढ़ना शुरू हो गया। आपका अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा है तो अब टेक्स्ट आपका है। देखो आज से डेढ़ हफ्ते पहले मैंने टेक्स्ट दिया था, आपने जिस तरह का गोबर किया वो आपको पता है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट हम दोबारा पढ़ रहे हैं, अब तुम्हारा फोकस अपने आप बढ़ गया और ये सारा खेल फोकस का है। अभी हम वो क्वेश्चन दोबारा करेंगे और अब देखेंगे कि हमारे मार्क्स गेन हुआ, फिर मैं लास्ट में आंसर बताऊंगा कि पहले के कंपैरिजन में तुम्हारे मार्क्स कितने गेन हो गए। और ये टेक्निक अगर तुमने लाइफ में अपना ली तो प्रेम तुम्हारा निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखो, भारत में साक्षरता गैप, साक्षरता दर का अंतर महिला और पुरुषों के बीच में 17.2, महिला और पुरुषों के बीच में 17.2 का बना हुआ है, बहुत बड़ा अंतर है ये, यानी 17.2% मेल्स फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा लिटरेसी को पा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। ये लिटरेसी का अंतर क्या तय करता है, ये लिटरेसी का अंतर बेसिकली अपॉर्चुनिटीज पर किसका कब्जा होगा ये बताता है। जब कोई जॉब्स निकलेगी, जब कोई क्वालिफिकेशन आएगा वैकेंसी, तो महिलाएं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, पीछे हो जाएंगी, और किसको फायदा मिलेगा, मेल्स को मिलेगा। तो जिसको जॉब मिलेगी उसका क्या होगा, उसका रिसोर्सेज पे ज्यादा कब्जा होगा, ज्यादा अधिकार होगा। तो जब रिसोर्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा, शिक्षा का जो अंतर ये है वो जेंडर डिस्पैरिटी को क्रिएट कर देगा, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत का, भारत की रैंक 124वीं थी। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में महिलाओं की आबादी, लड़कियों की आबादी 48% है, ओनली 48%। जिसमें समय के साथ बहुत अंतर पाया जाता है,
जिसमें समय के साथ बहुत अंतर पाया जाता है, जैसे प्राइमरी में ज्यादा है लेकिन जब माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जा रही हैं तो लड़कियां कम जा रही हैं। लिखो सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा में यह अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न है, माध्यमिक शिक्षा में यह अंतर बहुत बढ़ जाता है, परंतु अब यह बात याद रखना, परंतु उच्च शिक्षा में यह अंतर कम हो जाता है। उच्च शिक्षा में यह अंतर कम हो जाता है, यह बताता है कि जो मेल्स हैं उनको बहुत पहले ही समाज की, परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और महिलाओं को आगे पढ़ने का मौका मिल जाता है। पुरुष, कई ऐसे कारण हैं, चाहे वो कमाना हो चाहे परिवार की जिम्मेदारी हो, वो उच्च शिक्षा में नहीं जा पा रहे। यानी महिला और पुरुष लगभग हायर एजुकेशन में बराबर है। फीमेल्स को कहां चुनौती है? सेकेंडरी एजुकेशन में। सबसे बुरे स्टेट्स कौन कौन से हैं? झारखंड 50%, छत्तीसगढ़ 51.2% गैप है, बिहार 50%, उत्तर प्रदेश 45%। लिख लिया? ये पॉपुलेशन की परसेंटेज वाइज है, एक होता है नंबर वाइज। अब झारखंड और बिहार में परसेंटेज ज्यादा क्यों दिखाई पड़ रहा है? वहां ईसाई मशीनरियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ा कन्वर्जन है। उत्तर प्रदेश में क्या है? बहुत बड़ा स्टेट है और वहां पर उसको संभालना बहुत मुश्किल। हायर एजुकेशन में लिखो, फीमेल के लिए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन 28 है, जहां पुरुषों के लिए 28.3 है, तो लगभग बराबर है। लिखो, उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सकल नामांकन 28.5 है, मतलब ज्यादा है, और पुरुषों के लिए 28.3 है। यानी ये एक सोशल इंडिकेटर है, सोशियोलॉजी वाले जितने बहुत ध्यान से सुने इसको, जैसे सोशल इंडिकेटर कि एक तरफ हम पैट्रियार्कल सोसाइटी कह रहे हैं तो पुरुषों के ऊपर कोई ऐसा दबाव बना है कि जो उच्च शिक्षा में नहीं जा पा रहे, और वो सबसे बड़ा दबाव है रोजगार यानी जीवन यापन, लिवलीहुड की तलाश में निकलना। क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो पलायन भी होता है उसमें पुरुष पहले पलायन करते हैं कंपेयर टू द फीमेल्स, राइट? आगे आ जाओ। अब ऐसा भी होता है, जैसे मान लो हस्बैंड कमा रहा है, शादी भी हो गई, तो महिला पढ़ाई कर सकती है, फिर घर संभालने के बाद वो पढ़ाई कर सकती है, लेकिन पुरुष पूरे समय क्या करता है? रोजगार में ही लगा रहता है। नेक्स्ट वन, फीमेल एनरोलमेंट हैज इंक्रीज बाई 32% सिंस 2014-15। महिलाओं का नामांकन 2014-15 के बाद 32% बढ़ा है। आगे क्वेश्चन लिखो, वाई? ये जीएस पेपर वन का क्वेश्चन बनेगा, वाई? ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आया हुआ है, वाई? महिलाओं का नामांकन बढ़ा है। बोलो, और नहीं, मैं बच्चों के पढ़ने की बात कर रहा हूं। बहुत से स्कीम्स चली हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोगों को अवेयरनेस हुआ है। इसके बाद तमाम तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपने देखा महिलाओं ने बहुत अच्छा, लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है, विच गिव्स अ प्रॉपर मैसेज टू द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ले लो, तो लगातार गर्ल्स टॉपर रही हैं या बहुत टॉप रैंक में रही हैं, सो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया इसको लेकर। इसके बाद है महिला सामाख्या योजना, तो महिला सामाख्या में क्या होगा, जो मान लो प्रौढ़ महिलाएं जिनकी एज हो चुकी है उनको वापस स्कूल के साथ जोड़ने का प्रोग्राम रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में। तो ये प्रोग्राम एंड पॉलिसीज नहीं है जिनके अलग अलग टाइम पे इंपैक्ट है, चाहे वो सोशल अवेयरनेस हो या जैसे अभी आपने देखा ई लर्निंग, यानी अब क्या है, पहले स्कूल जाना, वहां के टॉयलेट को यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से आप अपने घर में पढ़ाई कर सकते हैं। सो यहीं से एक क्वेश्चन बना लो ना, यही स्टेटमेंट लिखो, लिखो वाई, क्यों, कारण सहित उत्तर दें। प्रीमैरिटल
प्री और मेंस अलग नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कौन देश में डाटा निकालता है, कौन तुम्हें बेसिक देता है? क्वेश्चन था लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE, एंड ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन IC, दो एजेंसी हैं सरकार की। किसके अंतर्गत? मंत्रालय क्या है? शिक्षा मंत्रालय। कौन है इस समय? श्री धर्मेंद्र प्रधान, वेरी गुड। कौन कौन सी एजेंसी है? यूनिफाइड एकल जिला सूचना शिक्षा के लिए सूचना तंत्र UDISE, दूसरा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE, ये दो एजेंसी इसके अंदर काम करती हैं। हो जाएगा? नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ इंसेंटिव फॉर गर्ल एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं की शिक्षा पर इन उपायों का प्रभाव जो सरकार कर रही है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचना विकास। तो अवसंरचना विकास में सरकार ने चेंज किया है। पहले, आज से कुछ साल पहले, जब यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट आती थी, उस रिपोर्ट का नाम था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में महिलाओं के एनरोलमेंट को, गर्ल्स के एनरोलमेंट को बढ़ाने का प्रावधान था। SDG में भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन गवर्नमेंट फेल कर गई। फेल क्यों कर गई? गर्ल्स टॉयलेट ना होने की वजह से। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि अब स्कूल में जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टॉयलेट्स और सैनिटेशन की व्यवस्था की जाएगी। तो पहला लिखो, कंस्ट्रक्शन फॉर मोर स्कूल्स पर्टिकुलरली रूरल एरिया, लिखो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों का निर्माण, इससे बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है। क्योंकि दो कारण है, केवल टॉयलेट्स नहीं, ध्यान से समझो इसको, केवल टॉयलेट्स ही वो रीजन नहीं है। पहला, नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के साथ एक और बड़ी चुनौती है। जरा देखो इसको, इसको समझने की कोशिश करो। ये रहा स्कूल, मान लो इसको मैंने नाम दिया स्कूल, ये ठीक है, ये स्कूल है, और यहां से काफी दूर घर है। आप लोगों ने भी तमाम इस तरह के वीडियो, इस तरह की न्यूज पढ़ी होगी, स्कूल जाते समय अराजक तत्वों के द्वारा छात्राओं का अपहरण, उनके साथ गलत कर्म, इस तरह बहुत से जो कठुआ कांड हुआ, तमाम तरह के कांड हुआ आपने देखा। दूसरा, कनेक्टिविटी ना होना, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में लड़कियों को नाव से जाना पड़ता है, या जो रूट ब्रिज होते हैं, रूट ब्रिज जड़ों से बने, उनसे होकर गुजरना पड़ता है, या वो टोकरियों में, जो टोकरी होती है ना, उस पर वो पानी की नदी को पार करते हैं, विच इज वेरी रिस्की, नो लाइफ सेविंग ट्यूब्स और XYZ कुछ भी नहीं। तो आपने देखा कि घर से उनके स्कूल की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और हमारे गांव में क्या, सड़क कनेक्टिविटी बहुत कम है, बरसात के दिनों में तमाम हिस्से डूब जाते हैं। अब मान लो अभी आप तो यहां बैठे हो, खैर दिल्ली डूब रखी है, लेकिन अगर आप गांव में जाओगे तो इतना इतना पानी, पोखर पूरा भरा हुआ है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उन लड़कियों का स्कूल जाना लगभग इम्पॉसिबल। आसाम 4 महीने बिल्कुल कट ऑफ रहता है। अभी स्टिल बिहार का जाके देखो, बिहार में इस समय कई गांव बुरी तरीके से डूबे हुए हैं, कई, आप न्यूज पढ़ो, इस समय कई ऐसे स्वयंसेवी लोग हैं जो नाव पर स्कूल चला रहे हैं, बोट पे। ये हमारे भारत की सच्चाई है। तो ये सरकार कोशिश कर रही है कि आपके गांव में ही स्कूल हो। तो जो ये फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, बाढ़ का पानी है, दिक्कतें हैं, मान लो आप कश्मीर चले गए, हिमाचल, उत्तराखंड, जाड़े के महीने में जब बर्फ गिरती है तो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है, तो वो समय आप स्कूल नहीं कर सकते हैं। तो यहां गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। बना लिया। नेक्स्ट वन, फीमेल टीचर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो माता पिता, ये देखा गया इस रिपोर्ट के हिसाब से कि जहां पर केवल पुरुष टीचर हैं और समाज बहुत ऑर्थोडॉक्स है या कंजर्वेटिव है, दोनों तरीके से कह सकते हैं,
वहां पर ऐसे स्कूलों में माता पिता ने अपने बच्चों लड़कियों को भेजना मना किया जहां पर केवल और केवल मेल टीचर है, केवल पुरुष टीचर है। तो जो लैंगिक रूप से अंतर है, और खासतौर पर कई ऐसे समुदायों में जहां पर्दा प्रथा है, जहां पर व्हील सिस्टम है, चाहे वो किसी भी रीजन में हो, आप यहां देखोगे वहां जहां केवल पुरुष टीचर है वहां वो अपनी लड़कियों को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करते। कई बार पेरेंट्स यहां भी हमारे पास भी आते हैं कि क्या स्पेशल गर्ल्स बैच है, हमारे सामने भी क्वेश्चन रखा गया, तो ये क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं कि भाई क्या गर्ल्स का हॉस्टल अलग है गुरुकुल में? हाँ भाई अलग है, वहां लड़के तो प्रवेश नहीं कर सकते। ये आपके पेरेंट्स ने हमसे क्वेश्चन पूछा ढेर सारा, और ये भी कहा कि भविष्य में कोई ऐसी संभावना है कि क्या केवल गर्ल्स का बैच रखा जाए। इसका मतलब उनके दिमाग में बहुत सी चीजें ऐसी हैं। तो अगर मेट्रोपॉलिटन में आने वाले पेरेंट्स के सामने ये चीजें आ रही है, तो आप गांव देहात या धार्मिक रूप से अगर कोई इस तरह का कंजर्वेटिवनेस है तो वहां सोचिए क्या स्थिति होती होगी। सो सरकार इतनी फीमेल टीचर बना नहीं पाई क्योंकि अभी अब क्या देखो ये चेन है, पीछे से अगर महिलाएं अगर हायर एजुकेशन में कम जाएंगी तो वो टीचर भी कम बनेगी, हायर सेकेंडरी में भी कम बनेगी, कंपटीशन में वो कम आएंगी। तो जब वो टीचर कम बनेंगी तो ऑब्वियस सी बात है मेल टीचर ज्यादा होंगे और फीमेल टीचर कम होंगे, तो उसके चलते क्या होगा, दैट इज इसको बोलते हैं विशियस सर्किल ऑफ पुअर्टी, इसको गरीबी का दुष्चक्र भी कहते हैं। तो वो चीज या अभाव का दुष्चक्र कहेंगे कि एजुकेशन में बच्चियां कम तो वो टीचर भी कम, टीचर कम तो इनरोलमेंट कम, इनरोलमेंट कम तो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दिस इज नोन एज अभाव का दुष्चक्र है ये। चलो तो ये क्या हुआ, फीमेल टीचर, तो सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे महिला शिक्षकों की भर्ती को आना शुरू किया। अगला ट्रांसपोर्ट एंड सैनिटेशन, अभी बताया मैंने आपको, लेकिन यहां पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब सरकार में पॉलिसी जो बनाते हैं वो एसी कमरों में बैठ के बनाते हैं, तो ऑन पेपर, अब इसको ध्यान से सुनो और इसको लिख लेना, इसके बावजूद भी इनरोलमेंट कम हुआ इस साल, क्यों कम हुआ ये समझो। सरकार ने मैंडेटरी कर दिया टॉयलेट तो बनने हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर टॉयलेट की रोज सफाई ना हो और 10 दिन तक उसमें पानी ना पड़े तो वहां जा पाओगे? यूज ही नहीं कर सकते, भयानक बदबू करेगा। सेम हैपेंड टू गवर्नमेंट कॉलेज। सरकार ने क्या किया कि टॉयलेट्स तो बना दिए, लेकिन जो वहां की लोकल अथॉरिटीज थी, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे वो नगर महापालिका हो, उन्होंने उसकी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की। नतीजा क्या, वो इतने अनहाइजीनिक हो गए जिसकी वजह से वहां पर लड़कियों ने वहां जाना बंद कर दिया। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप कोई चीज बनाए आखिरी पॉइंट तक लेकर जाए, ठीक है। तो सैनिटेशन इशू रिमेन्स अ मेजर ऑब्स्टेकल पर्टिकुलरली इन हायर क्लासेस, कि अभी भी जो सैनिटेशन, जो स्वच्छता का मुद्दा है, अभी भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। अगर आप किसी सरकारी ऑफिस, सरकारी कॉलेज के टॉयलेट में अगर आप गए होंगे तो आपको इसका अंदाजा हो गया होगा कि किस हद तक वो गंदा रहता है। साफ सफाई नहीं, स्टाफ नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। कोई है सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, सरकारी कॉलेज में पढ़ा हुआ, तो आपको तो अंदाजा हो गया होगा कि हाइजीन नाम की वहां कोई चीज दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बॉयज का ड्रॉप आउट रेशियो क्यों है, कुछ राज्यों में लड़कों का ड्रॉप आउट ज्यादा है लड़कियों के कंपैरिजन में। रीजन, उनको बहुत जल्दी, खासतौर पे जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पर उनको बहुत जल्दी श्रम शक्ति में शामिल होना पड़ता है, ठीक है। या अगर वो कृषि प्रधान है तो जैसे हमारे क्या होता है, अगर आप देखोगे कृषक परिवार है तो 12वीं के बाद लड़का आर्मी की तैयारी में लग जाता है, सिपाही की भर्ती के लिए तैयारी शुरू, रेस वेस लगाएगा, फिजिकल अच्छी तैयारी करेगा, और वो 12वीं के बाद ही मोस्टली LDC लोको पायलट के एग्जाम में, क्योंकि वहां पर परिवार का एक ही सपना होता है किसी तरीके से इसकी नौकरी लग जाए। और ये दबाव लड़कियों से ज्यादा लड़कों पे रहता है, लड़कियों, ये है सच्चाई है हमारे समाज की। लोग कहते हैं कि लड़कियों के ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन लड़कों के ऊपर इसका प्रेशर ज्यादा होगा और बहुत तरह के टैंट्रम्स होते हैं, नहीं कमाओगे तो शादी नहीं होगी, कब तक हम तुम्हारा पेट भरेंगे, कल को हम चले गए तो कौन संभालेगा। दे हैव लॉट ऑफ, ये बात हमारे सोशियोलॉजिस्ट नहीं बात करते हैं,
बट ये सच्चाई है, जॉब मार्केट में घुसने का प्रेशर बॉयज के ऊपर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। और ये बदलाव हमें दिखा रहा है कि हायर एनरोलमेंट रेशियो में बॉयज की संख्या कम हो गई है, फीमेल की संख्या बढ़ रही है। तो वो प्रेशर वो डील करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम बहुत से मेरे पास बच्चे आए जिन्होंने कहा सर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों ने बोल रखा नहीं भाई पहले तुम्हें नौकरी पकड़नी होगी, पहले कोई नौकरी पकड़ लो फिर आईएएस वाईएएस के बारे में सोचना। तो बारहवीं के बाद ही कॉम्पिटिशन देना, आर्मी में आप जैसे हो गया दौड़ लगाना, पुलिस भर्ती निकल रही है। तो अभी आपने देखा यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ, जो पेपर हुआ था उसमें आपने देखा कितनी भीड़ आई थी, भयानक भीड़ थी। तो वो सभी जॉब के लिए क्या है, उनके ऊपर प्रेशर है, ये उनका एनरोलमेंट रेशियो जो है वो क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो गुजरात का है, क्योंकि गुजरात जो है इंडस्ट्रियल नेशन है, वहां की जो सोसाइटी है वो बेसिकली कैसी सोसाइटी है, वो एक जिसे कहते हैं वाणिज्यवाद की सोसाइटी है, मारवाड़ी। तो वहां एजुकेशन धंधा है, ये मतलब मैं क्या कह रहा हूं, एजुकेशन मतलब ये तुम्हारा डिग्री से मतलब नहीं है, एजुकेशन मतलब होता है कि भाई ये सामान रखा है इसको बेच के मुनाफा कैसे, मुनाफा उनका एजुकेशन, विच इज एक्चुअली भारत की ट्रू एजुकेशन रही है, ये भारत की ट्रू एजुकेशन रही है। भाई मैं पढ़ लूं उसके बाद मैं फाइल लेके इधर से उधर, उधर से इधर घूमू, मारवाड़ी सबसे दूर है। हाँ भाई नाम वाम लिख लेता है, हाँ लिख लेता है। उनके यहाँ बहुत मारा मारी नहीं है कि आईआईटी में लड़का जाएगा, एम जिसको जाना वो चला जाता है। उनके घर घर में डाइनिंग टेबल पे शिक्षा दी जाती है, हाउ टू क्रिएट प्रॉफिट, धंधा कैसे चलता भाई, बेचना कैसे, खरीदना कैसे इसको, तो बचपन से सिखाया जाता। उनके बच्चों को भी उतना ही पैसा दिया जाता है। आपको पता है मारवाड़ियों में क्या चलता है, बच्चे को घर से निकाल दिया जाता है एक समय बाद, पैसा दिया जाता है लड़के को, लड़कों को निकाल दिया जाता है। क्यों, ये परिवार की परंपरा है कि आप जाइए ये जो पैसा आपको दिया जा रहा है इससे प्रॉफिट कमा के लाइए। और वो बहुत सामान्य जीवन जीता है कुछ समय के लिए, धर्मशालाओं में रहेगा, कुछ बिजनेस के आइडिया लेकर आएगा, धक्के खाएगा, दूसरों के ऑफिस में जाके काम करेगा। ये उनकी एजुकेशन पॉलिसी है जो हर घर में होती है, भले चाहे घर में BMW ऑडियो, लेकिन कुछ समय के लिए पैसा दिया जाएगा थोड़ा सा, निकल घर से बाहर निकल, बारहवीं के बाद खतरा मंडराना लगता है वहां पे, और आपको जाकर उस पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके लाना होगा। अगर आप सकुशल लेकर चले आए वापस तो फिर आपको पिता की जो जो बिजनेस है उसको फॉलो ऑन करने दिया जाता है। तो इसीलिए जो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट है वो सबसे कम कहां है, गुजरात, समझे। लड़कियां तो फिर भी पढ़ लिख जाए, लड़कों को कंपलसरी है, जो भी बिजनेस फैमिलीज हैं, जो भी व्यवसायिक फैमिली है, बच्चे को पिता से अलग कुछ समय अपना पैसे को प्रॉफिट में बदल के आना पड़ता है। वो फिर जाता है दूसरों के यहाँ नौकरी करता है, हर चीज सीखता है, और उस दौरान उसको अपनी फैमिली का कोई नाम नहीं लेना होता है, बिल्कुल सामान्य आदमी बन के उसको नौकरी शुरू करनी पड़ती, बिजनेस शुरू करना, उसको रियल लाइफ समझ में आती है कि जिंदगी में कैसे होता है। इसीलिए आप देखो पूरे देश की संपत्ति एक तरफ और मारवाड़ियों की संपत्ति एक तरह, तो वो रियल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। चलिए नेक्स्ट। हमारे दो मारवाड़ी हैं, दो गुजराती हैं, एक अंबानी और एक अडानी, इन्हीं की संपत्ति जोड़ लो तुम, इन्हीं की संपत्ति जोड़ लो। रिहाना डांस करके चली गई, जस्टिन बीबर बनियान में भी डांस करके चला गया, ठीक है ये उसकी हालत है। किसको नहीं उन्होंने नचाया, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके पास, जिसको जो है, और जो नहीं नाचा वो अलग परेशान था। दो दो करोड़ की घड़ियां तो ऐसे गिफ्ट कर डाली थी, कहते हैं 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 5,000 करोड़ अभी लिखने पे हम बैठ जाएं तो कई बार जीरो गलत हो गए, इतना पैसा उन्होंने ऐसे उड़ा रखा था। तो ये सोचो कितना पैसा उन्होंने कमाया है। आपको भी ये समझना पड़ेगा कि उनकी एजुकेशन बेसिकली इस तरह की एजुकेशन है। चलिए नेक्स्ट। एडल्ट एड्रेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वयस्क, अब ये भी सोशल एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लिखो वयस्क साक्षरता।
लिखो, वैश्विक स्तर पर साक्षरता का अंतर बहुत ज्यादा है। अंतर बहुत ज्यादा है। महिलाओं में 64.63% है, यानी 100 में से केवल 64 महिलाएं, ठीक है, वयस्क होने के बाद एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, जबकि पुरुषों के लिए 80.88 है, यानी 100 में लगभग 81 पुरुष वयस्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वयस्क इस आयु तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल्स के लिए 64.63 है, विच इज अ बहुत बड़ा गैप है ये सेकेंडरी लेवल पे। चलो हो गया, ये पढ़ लिया, जल्दी से क्विक जो मैंने लिखाया जल्दी से सेकेंड्स में रिवीजन करो, सेकेंड्स में। अच्छा, कल शाम को 9 बजे खाली हो तुम लोग? अभी चले जाना और एक लॉगिन आईडी बनवा लेना। कल शाम को मैं 7 डेज का मास्टर क्लास शुरू कर रहा हूँ आंसर राइटिंग का, ठीक है। आप लोगों के लिए तो आपको करना ही करना है, एनीहाउ, ठीक है, वो हम उसको मैनेज करेंगे। मैम के साथ मिलकर आईडी अपनी बना लेना, कल मोस्ट प्रॉब्ली इवनिंग में 9 बजे से मैं शुरू कर दूंगा। 7 दिन ब्लॉट मैथड क्या होता है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और इधर मैं प्रिलिम्स को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ आरएफआर के साथ, सो यू डोंट नीड टू पे दिस मनी, वो हम मैनेज करेंगे, बट वो क्लास जरूर कर लेना, ठीक है। अगर 9 बजे आपका कोई प्लान है तो उसको आगे एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दो, ठीक है। बोले उजांग सर आ रहे हैं, चलिए चलिए चलिए, हो गया रिवीजन डन। चलो अब आरएफआर का जादू देखते हैं। हाँ जी, बिना देखे कॉपी को फिर से आंसर करो, बिना कॉपी को देखे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अब हम आरएफआर पे हैं। आर हमने किया, पहले क्वेश्चन देखा, फॉरवर्ड हमने पढ़ा, फिर अब हम दोबारा इसका आंसर देखेंगे। सो ये कहता है कि भारत की रैंकिंग क्या है 2024 में, जो है वो लगा लो, और कैसे लगाओगे ये भी देख लो, ठीक है, कैसे करोगे। ये था R1, ये रख लो R2। तो पहली बार में तुम्हारा जो भी डिजिट तुमने भरा हो यहां कर लेना, इसके अगेन फिर से दोबारा तुमने कितना सही किया है देख लेना, हो जाएगा। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच रिपोर्ट ट्रैक द स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट डाटा इन इंडिया, हो जाएगा। हो जाएगा। तीसरा, एजुकेशन पैरिटी, शैक्षिक समता में पिछले साल हमारी रैंकिंग क्या थी, क्या गिरी, भारत का स्थान क्या था, ठीक है। हाँ बोलो, कोई नहीं लिखा है, बोलो नहीं बताया, अभी 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 कूटूंगा, सेल्फ सर्विस भी तुम्हें दे दूंगा इसमें। चले नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द UDISE रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स मेक अप द स्कूल पॉपुलेशन, करो करो करो, बताओ बताओ बताओ। अरे वो 0.6 भूल जाओ, एवरेज रखा है, बताया था ना, बोलो नहीं बताया। हाँ गुड, हो जाएगा। What has been one of the most significant impact of building more school? अधिक स्कूलों के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव में से एक क्या रहा? क्या रहा? जो है भर दो, हो जाएगा। कोई है?
जिसको नहीं याद आ रहा है, विच स्टेट वॉज मैंशन एज द हैविंग अ लोअर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द सेकेंडरी क्लासेस ड्यू टू फीवर एनरोलमेंट बिल्ड सेकेंडरी स्कूल्स। किस राज्य में सरकारी निर्मित माध्यमिक विद्यालय कम होने के कारण माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत कम होने का उल्लेख किया गया है? हो गया? कुछ लोग कंफ्यूज लग रहे हैं, यूपीएससी के पेपर कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द की फैक्टर दैट अफेक्ट्स पेरेंट डिसीजन टू एनरोल देयर डॉटर इन द स्कूल? कई बार क्या होता है, ये ध्यान रखना, कई बार आपको सबसे बेस्ट आंसर, कई बार सारे सही होते हैं, तो जो सारे पैरामीटर पे सही होता है केवल उसको निशान लगाना होता है। की फैक्टर दैट अफेक्ट पेरेंट डिसीजन टू एनरोल देयर डॉटर इन स्कूल। अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिला देने के माता पिता के निर्णय को प्राथमिक रूप से प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या था? हो जाएगा? बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। वट इज अ मेजर ऑब्स्टेकल फॉर द गर्ल्स एजुकेशन हायर क्लासेस? बड़ी बाधा क्या है विशेष रूप से युवावस्था के बाद? हो जाएगा? Yes, कोई पापी आत्मा? कोई ये कहने वाला कि मेरी फर्स्ट क्लास है, हम कैसे क्वेश्चन कर सकते? हाँ जी। इन विच स्टेट डू गर्ल्स मेक अप हायर परसेंटेज ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट कॉजिंग कंसर्न बॉय ड्रॉपिंग आउट? किन राज्यों में उच्च माध्यमिक के छात्रों में लड़कियों का प्रतिशत अधिक है जिससे लड़कों की पढ़ाई छोड़ने की चिंता बढ़ जाती है? तो यूपीएससी में एक मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड। हाँ विक्की, हाँ इसमें कहाँ लगाओगे? चलो 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 लास्ट। What is the gross enrollment ratio for women in higher education according to the AISHE report? AISHE report के अनुसार उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात क्या है? 28.3, 28.5, 32% या 50%? ठीक, चलिए हो जाएगा? गुड। अब चलो देख लेते हैं पहले का सी, किसका किसका सी है? हाँ ऊपर सर नीचे, हाँ ठीक है। पहले का सी 129, पहले के कंपैरिजन में निशान लगाना है, क्या है? R1/R2। दूसरा है डी, बोथ बी एंड सी। हाँ आपको बताया ना, बोथ बी एंड सी, गुड। थर्ड का ए 26, जहां मैंने बताया था स्लाइटली डाउन हुआ है 0.009 और पहले था 1, उसमें लिखा था 26 पॉइंट्स डाउन हुआ है। किसका किसका गलत है? पापियों का गलत होगा और कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ का डी, फिफ्थ का सी, क्या होगा? महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ जाएगा। सिक्स का क्या लगाया है? सबसे कम परसेंटेज एनरोलमेंट का कहां था? उत्तर प्रदेश। कहां था? कहां था?
सेवेंथ का महिला शिक्षकों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ फीमेल टीचर, सात का बी, सेवेंथ का बी, आठवें का सी। अब तो समझ में आया, सैनिटेशन फैसिलिटीज, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, आठवें का सी। नवा नाइन्थ का क्यों जी हाँ, कॉम्बिनेशन नहीं आता, नहीं आता, इतना पता है सबसे खराब किसका, तो जहां पर लग रहा बाकी तो भगवान भरोसे छोड़ दो, ऐसे ही होता है। ठीक है, वो लॉजिक भी तो चेक करते हैं, उन्हें पता तुम सब कुछ याद नहीं कर सकते, बस वो तुम्हें वो एक जो इस रिपोर्ट में हाईलाइटेड है केवल उसका नाम पकड़ लो, और ये मेरे को इस कॉम्बिनेशन, अगर दो में फंसता तब फिर देखते, बट वो फंसा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन 28.5। हाँ जी, अब बताइए, अब मुझे रिजल्ट कैसे बताना है, सब लोग कमेंट करके बताओ, रिजल्ट ऐसे बताना है। ठीक है, रिजल्ट आपको बताना है, जैसे मान लो पहले तीन सही था, अब आठ सही है, 3/8, पहले चार सही था, अब नौ सही है, 4/9। ठीक है, मान लो पहले पांच सही था, अब 10 सही है, 5/10। चलो लिखो सब लोग, सर लिखो, हाँ 8/10, तुम्हारा 6/9, लिखो लिखो 6/9, लिखो लिखो लिखो, सब लोग लिखो, चलो सारे लोग, किसका किसका इंप्रूव हुआ मार्क्स, हाँ तुम लोगों का क्या हुआ मार्क्स इंप्रूव, किसका हुआ इंप्रूव, मतलब पिछले वाले से ज्यादा अच्छा, R1 के कंपैरिजन में R2 किसका किसका अच्छा रहा। अच्छा, आप चलो तुमसे पूछते हैं, रुक जाओ, अब तो तुम लोग कहते हैं ना कि भूल जाते हैं, युवा अवस्था में महिलाओं के स्कूल छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, माता पिता किस फैक्टर के, पेरेंट्स किस फैक्टर के बेस पे, बोल तो लेने दो। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा में लड़कों के सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ने, कॉलेज छोड़ने का कारण कौन सा स्टेट, कौन सा स्टेट, सबसे कम एनरोलमेंट का, इस बार की रैंकिंग कितनी कंट्रीज में, कौन कौन है जिसको मेमोरी लॉस की शिकायत थी, हो गया याद, ये तुम ही थे क्लास में, शुरुआत में तुमने हाथ खड़े किए कि हमें सर भूल जाता है, नहीं भूलो, मैं परसों आऊंगा नर्सों आऊंगा, नहीं भूलोगे, क्यों नहीं भूलोगे, तुमने आज पहली बार पढ़ाई का NLP प्रिंसिपल अप्लाई किया है, हमारे ब्रेन को जितना जो वो चाहता है उसको फीड करो, अपने आप वो तुम्हें मास्टर बना देगा, और एक अनपढ़ आदमी भी मछली पकड़ने का सिद्धांत जानता है, वो कभी भी गाना नहीं गाएगा किनारे खड़े होके, अभी मछली को बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, आई चलो हम सुकरात के बारे में बात करते हैं, मछली नहीं मर के बाहर आएगी कि खा लो प्रभु मुझे खा लो, ठीक है तुम्हारे मुंह से सुकरात की बातें सचा तो मुझे खा ही लो, उसको भी पता है कि अगर मछली पकड़ना है कांटा, कांटे में चारा, उसको तरफ खींचा, तो जब हम इंफॉर्मेशन को खींचना चाहते हैं तो हमें RFR मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा। मार्क्स किसके किसके बढ़ गए, R2 में बढ़ गए। अब अच्छा एक और चीज है, अब अपने गालों पे जोर जोर से जड़ो, जिन लोगों को वो PDF मिली थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली, या तो कहो तो ये सेवा मैं प्रदान करूं, तुम कर लो नहीं तो हम करें, जल्दी से चटपट की आवाज नहीं आ रही है कस के, हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ ताली वाली नहीं, इधर लाओ, किसको किसको वो PDF मिली थी, किसको किसको जेंडर गैप की रिपोर्ट PDF मिली, सबको मिली थी, ग्रुप में अभी स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूं। तो ये है आपकी स्थिति कि आपको सब कुछ, और आप ही के लिए जितने भी बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं उनकी स्थिति, PDF का कल्चर ही इन लोगों ने, जो हाथी बैठे हुए हैं वो हाथियों ने यही कल्चर ही क्रिएट कर दिया है, हाथी मतलब वो बैठ गए यार, वाकई शिक्षा के ऊपर बैठ गए, हम ढूंढ रहे हैं कि भैया हमारी शिक्षा बाहर निकाल दो, वो इतना लाव लश्कर लेकर बैठ गए हैं
रील्स, मुंह से आंखों से अंगारे निकल रहे हैं उनके, बिजली बिजली निकल रही है तमाम, कि हम ढूंढ रहे हैं हमारे स्टूडेंट कहाँ हैं। वो पीडीएफ कल्चर क्रिएट कर दिया, आज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ तो मिल ही गया है, कल हम पढ़कर आईएएस बन जाएंगे और टुमारो नेवर कम्स। तो आपके पास वो पीडीएफ थी, लेकिन आज आप पीडीएफ आपको समझ में आ गई होगी। ये रिपोर्ट किसने निकाली? किसकी संस्था? यूनाइटेड नेशन की। कौन सी संस्था का पार्ट है? हो जाएगा। गर्ल्स के हायर एजुकेशन में गर्ल्स का एनरोलमेंट बॉयज के कंपैरिजन में कम है। बोलो गलत है सर आप? कॉन्फिडेंस यही होता है यार, गलत है सर। किसका एनरोलमेंट ज्यादा हायर एजुकेशन में? क्यों बॉयज का कम? जॉब मार्केट में एंट्री का प्रेशर, सोशल प्रेशर, लिवलीहुड प्रेशर। सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए चिंताजनक स्थिति यानी फीमेल्स के लिए सबसे वरिड सिचुएशन कहां है? बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन या सेकेंडरी? सबसे ज्यादा चिंताजनक बात कहां है, अंतर कहां है? सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा में। लो पूरी रिपोर्ट याद हो गई यार, इसमें मेंस के कितने क्वेश्चन मैं निकाल सकता हूं यहां पर डिस्कशन में। ये तो सिर्फ प्रीलिम्स की बात हुई। अगर हम इस मेथड में पढ़ना शुरू कर दें तो हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जितनी भी पीडीएफ दी गई हैं ध्यान से पढ़ लें। अगली बार मैं गांधीवाद सिद्धांत को नहीं फॉलो करूंगा, माओ के सिद्धांत को लेकर आऊंगा। और माओ क्या कहता है कि परिवर्तन की शुरुआत डंडे से होती है, ये मेरा सिद्धांत है। ठीक है, तो अगली बार पिटो तो किसी को भी दोष मत देना। हाँ जी, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी प्रशासनिक यूनिट है, पर सिर्फ प्रशासनिक यूनिट नहीं है, वो बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल विभाजन भी है। ये एक प्रस्ताव आया था कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों नए बने राज्य हैं जो सन 2000 में बने थे, और बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और यूएस की आबादी 25 करोड़ है। यूरोप के कई देशों से बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की, और बहुत विहंगम है। ठीक है, यहां पर एक सांस्कृतिक प्रदेश भी है, धार्मिक सेगमेंट भी है, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल डिवीजन भी है इसमें। आप कभी, पता नहीं आप गए हैं कि नहीं गए हैं, आप रेणुकूट साइड चले जाइए दक्षिणी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर बड़ी बड़ी बॉक्साइट की खाने हैं, हिंडालको है। आप आदिवासी भारत किसे कहते हैं आप वहां देख लेंगे। शाम का वक्त था, मैं सिंगरौली से लौट रहा था, ट्रेनिंग डेट, सिंगरौली मतलब एमपी बॉर्डर। तो जैसे ही मैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पहुंचा, मुझे सिंगरौली जाना था, कोल एरिया है, 45 दिन की ट्रेनिंग थी, कोल एरिया है। भाई साहब इतने लोगों को देखा, किसी के पैर में चप्पल नहीं देखी मैंने, और निरांत बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना वो पूरा जो सो कॉल्ड आप नक्सलाइट एरिया। और जब लौटना हुआ तो क्या हुआ, शाम का वक्त था, रेणुकूट हमें वहां से जाना था, वहां पर हमें ट्रेन मिलनी थी, वहां से हमें प्रयागराज जाना था। तो वो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है, वैलीज के साथ। और पता क्या चला कि 2 दिन पहले यहाँ एम्बुश हुआ था नक्सलाइट्स का, और मैं वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ, और शाम हो रही है, लाइट नहीं आ रही है वहाँ पे, और धीरे धीरे झिंगुर उंगुर बोलना, और एकदम अंधेरा बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ घने जंगल टाइप और वैली टाइप का। आपको डर का अंदाज़ा क्या होता है वो वहाँ बैठने पर पता चलेगा। और 2-3 लोग तो ऐसे, अरे वहीं मारे हैं, वहीं मारे हैं, कहाँ मारे। प्लेन का रहने वाला आदमी घबरा जाए वहां पे। जब वो ट्रेन आ गई और मैं डब्बे के अंदर घुस गया हूं, तब पहली बार लगा कि पूरी सांस अंदर जा रही है। और वहां पर मैं रहा, वहां के मेलों में गया, वहां के जो जो हाट लगता है वहां पे गया। आप जाकर उन क्षेत्रों को देखिए तो कुछ नहीं है लोगों के पास, कुछ भी नहीं है। यहां तक कि साड़ी पहने हुए महिलाएं, बहुत कठिन जिंदगी है। ये जो हम यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। कई कई किलोमीटर नंगे पैर वो चल रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं खास है, डेली लाइफ का स्ट्रगल है वहाँ पे। लकड़ियाँ बीन बीन के इतनी दूर से, तब जाकर उनके घर में आजीविका चलती है।
तो ये मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां सड़क थी कम से कम, और इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ में जाके देखा तब तो अलग ही वहां पे सीन है। सो प्रशासनिक यूनिट का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कैसे बनाई जाती हैं। तो मार्क्स इंक्रूज हुए कि भैया नहीं, अब मेरे ख्याल से नहीं भूलोगे, अब ये रिपोर्ट नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, पिछले साल में एजुकेशन पैरिटी क्या थी? लास्ट ईयर जेंडर पैरिटी क्या थी? रैंक क्या थी? 26 हो गया। तो चलो, तुम लोगों ने कांड कर लिया है, चलो हो गया भाई, चलो पढ़ाई करते रहो। हाँ जी सर, क्या होगी, क्या किसकी परसेंटेज को कितना समझते हो तुम? अब बताता हूँ, इन साहब को जवाब दे देता हूँ। ये सारी की सारी जो रो बैठी, इनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, ठीक है? मान लो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से दो लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शन से सिलेक्शन हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? या चार लोगों को ले लें और भी कम कर दें, एक लोगों का हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि आपका केवल दो लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब छः लोगों को 100 मान लो, तो दो का मतलब कितना हुआ? 33%। तो मैंने कहा ज्योग्राफी का रिजल्ट 33%। अब क्या हुआ, आपने अकेले जो है उर्दू साहित्य लिया था और आपका अकेले सिलेक्शन हुआ। यही बच्चे सबसे ज्यादा ऑप्शन गलत लेते इसी मुद्दे पे हैं। अब मैंने बोला कि भाई साहब उर्दू का रिजल्ट 100% है, तुम कहानी सुनो। आप आए, सर मैं उर्दू लूंगा। तस्लीम और तामील में अंतर पता नहीं है, उर्दू साहित्य लूंगा। क्यों सर? उर्दू का रिजल्ट 100% है। एक बच्चे ने दिया, एक ही का सिलेक्शन हुआ, और न्यूज़पेपर ने छापा इस बार उर्दू का रिजल्ट रहा 100%। ज्योग्राफी औंधे मुंह गिरी 33%, ऐसी तो बनती हेडलाइन, ज्योग्राफी औंधे मुंह गिरी मात्र 33%। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन किसका ज्यादा हुआ? ये दो सेलेक्ट हुए, तुम एक सेलेक्ट हुए, किसका ज्यादा हुआ? सेम, यहां मैंने जब बोला था मैंने कहा परसेंटेज है ये, जितने लोग यहां पढ़ रहे ना वो पूरी झारखंड की आबादी से भी ज्यादा है। 25 करोड़ का 40% और 4 करोड़ का 40% 50%, कौन ज्यादा होगा? ये परसेंटेज का खेल बड़ा खतरनाक होता है। जैसे भारत में बोला जाएगा इतनी परसेंट आबादी गरीब है, हमने मान लीजिए हमने कहा कि भारत ने 10% लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, पता चला पूरे यूरोप की आबादी बराबर बैठता है हमारा, कि हमने पूरे यूरोप की आबादी के बराबर 10 साल में लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, लेकिन 10%, ओ माई गॉड, ओनली 10%, हाउ मेनी पुअर्स आर देयर इन इंडिया, गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पूरे यूरोप की आबादी को हमने गरीबी से बाहर निकाल लिया। तो परसेंटेज का खेल, अभी कैसा समझ में आया कि 100% रिजल्ट और 33%। अब तुम आओ मेरे पास कि सर आपकी शान में गुस्ताखी ना हो तो हम एक बात कहें। मैंने कहा करके देखो, ठीक है करके देखो। तो आप आए, आप कहेंगे सर मैं उर्दू लेना चाहता हूं, ज्योग्राफी में कोई मजा नहीं है, 33% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। अब आपको समझ में आया, सेम हैपन टू छत्तीसगढ़, बहुत छोटा राज्य है, झारखंड बहुत छोटा राज्य है, आबादी बहुत कम है, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला लगभग राज्य है, तो इसका 48% टोटल नंबर में ज्यादा है। एग्जाम में ध्यान रखना, कुल संख्या और प्रतिशत संख्या के बीच में अंतर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रतिशत में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है, आरोही और अवरोही क्रम, तो टोटल नंबर ऑफ और परसेंटेज में कई बार हम ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में टिक लगा के चले आते हैं, वहां मामला साफ हो जाएगा। क्लियर हुआ रिपोर्ट? तो आज से अपनी पढ़ाई में RFR को इंक्लूड करना शुरू कर दो।